हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने कार में। एंड आई थिंक सो आफ्टर 3 मंथ्स मैं अपने विलेज के शॉप में जाऊंगी। ऐसा तो एवरीथिंग हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक लाइक सकेंगे वील डू एवरीथिंग होम डिलीवरी। हम लोग ऐसा स्टोर एंड ऑल में नहीं जाएंगे, बट देयर इज़ वन थिंग ना जो हम लोग को जाना पड़ेगा, दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। एंड मैंने पहले भी बोला था, अभी ना बहुत एलर्जी सीजन चल रहा है, तो मेरे हबी को एक आई ड्रॉप चाहिए। तो लास्ट टाइम ही गॉट इट, तो वो ख़त्म हो गया है। तो आज मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेट मी गो एंड लेट मी टेक द मेडिसिन फॉर हिम। तो वो ही जाना है, तो उसके लिए ऐसा कभी भी नहीं जाना है। हर वक्त कहा गया मेरा मास्क, कहा गया मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगी। आई गॉट द सैनिटाइजर एंड ऑल, तो पहले मैं पहन लेती हूँ मास्क। एंड चलिए मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। ओ माई गॉड, आफ्टर सो मेनी डेज मैं कोई शॉप के अंदर आई हूँ। And I used to come to this shop almost daily. तो आज आफ्टर सो मेनी मंथ्स अंदर जाके ना दिल लाइक खुश हो गया है। एंड दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग सो परफेक्टली। लाइक वो लोग ने ऐसा 6 फीट 6 फीट का डिस्टेंस दे दिया है। एंड फिर दे आर इनसाइड लाइक टोटली ग्लास के अंदर में वो लोग है, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर देम यार टू से लाइक टू स्टे सेफ। सी दे आर डीलिंग विथ सो मैनी पीपल्स। तो चलो थोड़ा ऐसा शॉप के अंदर जाके मैं बहुत खुश हो गई। एंड मैंने और कुछ भी नहीं लिया, आई जस्ट टुक द जो दवाई था मैंने वो लिया, बस ख़त्म। एंड फिर मैं आ गई। ऐसा तो मन कर रहा था कि और बहुत कुछ देखूं, पर मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं देखना है, आई शुड जस्ट गो फ्रॉम हियर। तो चलिए अभी आई विल गो एंड आई विल डू सम वॉकिंग। तो मैं अपने कम्युनिटी में ही वॉक कर रही हूँ, वो रहा मेरा घर। मुझे लगा चलो यार पार्क वार्क जाने से अच्छा है यहाँ पे ही वॉक करो। ऐसे भी यू कैन सी नो वन इज देयर, एंड ये जगह पे ऐसे भी कोई नहीं रहता है। लाइक ये एक राउंड है, तो मुझे लगा यहाँ पे ही मैं वॉक करती हूँ। मुझे लाइक इट्स मोर सेफ आई फील सो। ऐसा तो सब लोग बोलते हैं देयर इज़ नथिंग, अगर कोई भी नहीं हो देन कुछ नहीं है, जस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंस। एंड आप लोग बहुत जन बोल रहे थे पायल अगर कोई नहीं है तो मास्क मत पहनो, पर मास्क हाथ में ही है। बट ट्रस्ट मी दिस, मास्क पहनना इट्स सो टफ यार। मैंने थोड़ा देर तक पहना था, ऐसा लग रहा था कि कोरोना हो ना हो मास्क पहन पहन के कुछ एक हो जाएगा। तो देन आई फेल्ट चलो लेट मी रिमूव द मास्क। सो फाइनली मेरा वॉकिंग ख़त्म। एंड हम लोगों के गार्डन में ना बहुत सारे रोजेस हुए हैं, तो आज मैं पूजा देती हूँ। तो मुझे लगा चलो मैं भगवान को मैं थोड़ा फूल चढ़ा देती हूँ। ऐसे बहुत जन बोलते हैं कि गुलाब का फूल भगवान को नहीं देते हैं, पर मुझे लगता है ये सब रूल्स आर मेड बाय ह्यूमन। भगवान ने कभी भी आके नहीं बोला है कि मुझे वो फूल पसंद नहीं एंड मुझे वो फूल पसंद है। तो अभी मैं नीचे जाके आई इमिडिएटली टेक ए शावर। एंड आई बोल रही थी मम्मी कैसा लगा वेल ड्रग्स में जाके, तो इट वाज रियली अमेजिंग मामा, इट वाज रियली गुड राइज। लाइक मम्मी कैसा लगा, पर आई वाज टेलिंग हर कि मैंने आई जस्ट वेंट टू द फार्मेसी एंड आई केम बैक एंड यू नो दे हैव रैप्ड द फार्मेसी फुल्ली। या द फार्मेसी इज टोटली रैप्ड, लाइक फार्मेसी ने वो लोग ने I have shared also शायद little bit मैंने वीडियो बनाया, पूरा रैप कर दिया है। तो आपको जो चाहिए ना वो लोग ऐसे साइड से देते हैं एंड फिर सामने जाना पड़ता है विद द कैश काउंटर। एंड कैश काउंटर के वहाँ पे वो लोग ने पूरा ऐसा ग्लास से बन, वो बैंक में जैसा होता है ना, दे डिड दिस, तो इट वॉज रियली गुड। तो चलिए लेट मी गो टेक ए शावर, फिर मैं पूजा देती हूँ एंड देन आई विल कम एंड टॉक विथ ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ वॉक करके ना आई वॉक्ड अराउंड 2 miles, तो बहुत मुझे क्या बोलूँ, बहुत फ्रेश लग रहा है आफ्टर सो मेनी डेज, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस वॉकिंग इन मशीन एंड ऑल। तो मैं देखती हूँ कितना था, या सी बहुत, आई डोंट नो यू ऑल कैन सी ऑल्सो नॉट, या सी 2.1
1 mile which is little bit less also but then also चलो ठीक है. तो आ गई हूँ मैं मेरे किचन में, नहाना खत्म एंड बिठा दिया है मैंने चाय क्योंकि अभी ने तो चाय नहीं पिया सुबह से बिकॉज मैं चली गई थी एंड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया. तो रिमेम्बर आई वॉज टेलिंग यू इन माई सैटरडे का जो ब्लॉग था कि थोड़े वड़े रह गए थे तो उससे मैंने कल लाइक दही वड़ा के लिए वड़ा बना लिया था एंड जो प्रोसेस रहता है यू नो फिर पानी में देते हैं फिर पानी निचोड़ के सब कुछ मैंने कर लिया था. तो मैं जल्दी जल्दी दही वड़े बनाऊंगी एंड क्या एंड या चाय एंड या वन थिंग. अगर आप लोग किचन में मेरी तरह यू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा तो मैं हर वक्त बोलती हूँ दैट्स इट्स योर विश. लाइक मैं किसी के ऊपर कुछ थोपती नहीं हूँ बट डेफिनेटली आई फील अगर आप एप्रन पहन लेंगे ना तो अपने जो कपड़ा पहना है वो खराब नहीं होता है एंड दिस एप्रन इज वन ऑफ द बेस्ट एप्रन जो मेरे पास है. बट माई बैड लक कि मैंने ये सेम कलर का एप्रन खरीदा था एंड बिकॉज ऑफ वन थिंग जो हम लोग लेडीज लोग करते हैं आई थिंक सो सभी लोग करते हैं कि अभी नहीं लेंगे थोड़ा दिन बाद लेंगे. वो करने के चक्कर में क्योंकि लाइन यू नो थोड़ा भीड़ था एंड यहाँ पे ना अभी आदत चला गया है क्योंकि इतना ज्यादा रश बहुत कम होता है कंपेयर टू न्यूयॉर्क सिटी जब आप जाएंगे. तो ये लाइन देख के लाइन के चक्कर में ना फिर मैं वहां पे रख के आ गई. काश मैं लाती तो और एक एप्रन हो जाता है क्योंकि ये कितना साल हो गया आई वॉश इट पर से कलर कुछ भी नहीं हुआ है. तो चलिए एंड मेरे पास थोड़ा इमली की चटनी भी है तो मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी दे दूंगी. तो मेरे पास जो मिष्टी दही था ना थोड़ा ही बाकी है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि दही वड़ा मुझे थोड़ा मीठा अच्छा लगता है एंड जो नॉर्मल योगर्ट है वो मैंने ऐड किया है. लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर बहुत ही ज़रूरी है. ऐसा ग्रीन चटनी भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है पर मेरे पास नहीं है. छोड़ो अभी जल्दी जल्दी खाना है एंड फिर एट द एंड मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा भाजा मसाला एंड फिर हाँ इमली का चटनी इज ए मस्त. तो इमली का चटनी तो रेडी हो गया है दही वड़े. वो वड़े बनाना रहे तो बाकी का प्रोसेस तो इजी एंड है. मेरे पास भाजा मसाला हर वक्त रहता है एंड लिटिल बिट ऑफ टैमरिन का चटनी भी था जो मैंने कुछ एक रेसिपी के लिए मुझे लगा मैंने बनाया था. तो राय भी आ गई है खाने दही वड़े. Have it and see. That okay, no matter. First bite, rye. क्या बचा? Good. क्या बचा? Good. Good. It's good, na? Yeah. Yeah. Rye बोल रही है. Good. Good. दिए दे माँ के इखना दिए दे. Yeah. तो दोपहर के लंच के लिए मैं बना रही हूँ पालक पनीर. तो उसके लिए मुझे अभी पनीर बनाना है, लाइक छेना बनाना है. तो छेना भी रेडी हो चुका है तो अभी मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी चीज क्लॉथ में. तो दोपहर के लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर एंड मामा आई थिंक सो योर शू केम. रिमेम्बर मैंने बोला था राय ने एक शू ऑर्डर किया था तो वो आ गया है. मामा योर शू केम. राय कब से वेट कर रही, कब मेरा शू आएगा. एंड ये यू नो मम्मी का इंस्टिंक्ट हर वक्त सही होता है. मैं बहुत प्रिटी श्योर हूँ कि ये शू राय का बड़ा होगा बिकॉज साइज मेरे हबी ने मेजर करके लिया था. तो आई फील उन्होंने थोड़ा बड़ा या दिया. देखे क्या चाहे वेट आई सैनिटाइज एंड आई ब्रिंग ओके. तो एनी हाउ मैं बनाने वाली पालक पनीर एंड मैंने दाल ऑलरेडी चढ़ा दिया. मामा मामी आन बो प्लीज. अमी आनची दारो वेट अभी मुझे वो लेन. एंड पहले जब मैं पालक पनीर बनाती थी कि हैप्पी आएगा चाहिए हैप्पी हो गई है राय एक्साइटेड. चलो ठीक है. तो पहले जब मैं पनीर बनाती थी कभी कभी तो हम लोग इंडियन स्टोर से मैं जाके लाती थी एंड पता नहीं यहाँ पे राय क्यों हंस रही है पर अभी वो तो कोई मौका ही नहीं है मेरा. एंड पनीर इज समथिंग जो आई डोंट थिंक सो मुझे कोई घर पे लाइक देगा तो क्या कर सकते, घर में ही बनाना पड़ेगा. तो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर लिया है. चलो द वाटर इज ग्रीन बिकॉज
Why it is green? Because the leaves. Yeah, because the spinach leaves were there. So water हो गया green. चलो मैं राय का शू अभी लाके लाती हूँ. Where is our हथियार? Sanitize करो, वो करो, हाथ धो, ये करो. किसको पता था यार 2020 हाथ धोते धोते निकल जाएगा. Yeah, it's perfect. तो सॉरी आज मैं और लंच एंड ऑल लाइक मैं क्या बना रही हूँ मैंने शेयर नहीं किया वो पालक पनीर. आई हैव शेयर्ड इन लॉट ऑफ टाइम्स विद ऑल ऑफ यू एंड दाल. ऐसी पनीर बहुत अच्छी तरीके से निकल के आया है एंड ये फ्रेश पनीर है ना तो आई डोंट लाइक मैं फ्राई एंड ऑल में नहीं करती हूँ. डायरेक्टली एट द एंड आई विल एड इट. एंड मैं कभी कभी मम्मियाँ गलत हो सकती है. द शू इज फिटिंग परफेक्टली टू राय. चलो मुझे इतना टेंशन था ना क्योंकि अगर नहीं होगा देन वी हैव टू गो इट लाइक हम लोग को रिटर्न करने जाना होगा. एंड अभी हम लोग जो भी खरीद रहे हैं ना हम लोग ऐसे खरीद रहे हैं कि हम लोग को रिटर्न ना करना पड़े बिकॉज रिटर्न करने के लिए अगेन यू हैव टू गो समवेयर. तो चलो पहले जब आया था ना इट वॉज लिटिल बिट लूज. फिर मैं अभी वॉज लाइक कि नहीं मैंने परफेक्टली मेजरमेंट लिया है तुम शॉक्स के साथ पहन के देखो. फिर उसने शॉक्स के साथ पहना तो इट्स परफेक्ट. इतना सुकून लग रहा है ना. एंड यहाँ बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है. लास्ट ईयर राय को आई थिंक सो 4 आया था एंड नाउ हर शू साइज इज 7. कांट बिलीव इट यार. ये लॉकडाउन में मुझे लगता है हम लोग सबके बच्चे बड़े हो जाएंगे एंड हम लोग वो अंदर ही रहेंगे. एंड यार टुडे ना आई गॉट सम ये सब मास्क पहले बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था. जो इसको क्या मास्क बोलते हैं वो जो सब लोग पहनते हैं ना ब्लू कलर का मास्क कहा गया. तो दिस ऑल आर लाइक आपको एक बार पहनने के बाद यू हैव टू टेक इट लाइक आपको इसको डिस्पोज करना होता है. आई गॉट दिस वन. फिर मेरा घी खत्म हो रहा था तो आई गॉट वन घी. फिर मैं जैसे बोल रही हूँ ना इंडियन थिंग्स आई डोंट हैव एनी चॉइस. तो इलायची भी ख़त्म हो रहा था तो आई गॉट इलायची. और ये एक साबुन. फिर क्या या एंड राय हर वक्त ये राय के सर में ना डैंड्रफ हो जाते तो शी ऑलवेज यूजेस दिस डैंड्रफ शैम्पू जेसन का. तो पालक पनीर का ग्रेवी तो रेडी है. सिर्फ अभी मुझे इसमें पनीर ऐड करना है नहीं तो वो पालक पनीर कैसा होगा. एंड दाल भी बॉयल हो चुका है सिर्फ मुझे तड़का देना है. एंड धीरे धीरे करके सारे इंडियन मसाले खत्म हो रहे हैं लाइक जीरा भी. ये तो बहुत दिन तक चल जाएगा आई थिंक सो. लकीली यू नो लास्ट टाइम मैं जब गई थी लास्ट टाइम मतलब आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ जैन तो मैंने इतना बड़ा जीरा का एक डिब्बा खरीदा था. आई थिंक सो दिस इज अराउंड 500 grams. तो ये बहुत महीनों तक चला एंड अभी भी है. मुझे लगता है ये नवंबर ये ईयर मुझे लगता है चल जाएगा. या इतना जीरा तो नहीं चाहिए. एंड थोड़ा शाह जीरा भी है. पालक पनीर हो चुका है एंड दाल में मैं तड़का दूंगी. फिर जल्दी जल्दी राइस बिठाऊंगी एंड या बस हो जाएगा. लेट मी गिव द तड़का फर्स्ट. एंड आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि पायल जब मैंने बोला था कि कोई मैं किसी को खिलाऊंगी बहुत जनों ने लिखा था कि ना मेरा ब्रदर आने वाला है. फिर मेनी ऑफ यू रोड कि मेरी जो नेबर है वी आर कॉलिंग देम. नहीं यार अगर मुझे अभी ट्रस्ट में दिल से बोल रही हूँ किसी को मुझे बुलाना है फर्स्ट आई विल कॉल ए टेक्नीशियन मैकेनिक जो आके मेरा ये गैस ठीक करके देगा. एंड ऐसे भी दिस ईयर वी वॉन्ट बी कॉलिंग लाइक किसी को भी हम लोग नहीं बुलाएंगे. लाइक हम लोगों ने कुछ सोचा है. मैं बोल रही हूँ ना सब अकेले अकेले रहना है अकेले अकेले सब जगह पे जाना है किसी से बात नहीं करना है किसी को नहीं बुलाना है. वो किसी किसी का रहता है ना. सी नाउ इट्स अप टू अस किस तरीके से हम लोग सेफ रहे. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोग भी नहीं बुलाएंगे. यू नो जिसका जो अपने फैमिली के लिए जो सोचता है टू कीप टू स्टे सेफ फॉर आवर सेल्फ खुद के लिए. सो वीक डेज का बहुत सिंपल लंच है. मैंने थोड़ा पापड़ फ्राई कर लिया है पालक पनीर एंड हाँ दाल.
हम लोगों का खाना खाना खत्म। एंड अभी मैं क्या करूंगी, मैं एक टाइमर बिठाऊंगी 20 मिनट का, क्योंकि मुझे किचन साफ करना है। सी इट इज लुकिंग सो डर्टी, डिश वॉशर पे सब कुछ देना है। एंड आज ना एक बहुत फनी, अभी मुझे लग रहा है, पर इट वॉज सो स्केयरी। एंड एक मिनट के लिए तो मेरा हार्ट अटैक ही आ गया था, एंड मुझे लगा कि मैं तो गई आज। जैसे मैं बोल रही थी ना, आई वॉज डूइंग ऑल माई किचन वर्क, एंड जब मैं ये टाइमर लगाती हूँ ना, मैं बहुत ऐसा फोकसली किचन का काम करती हूँ, तो मैं काम कर रही थी, फिर ना मैं सब बाहर से साउंड सुन रही हूँ, जैसे कोई माइक में बोल रहा है ना, तो ऐसा ना बाहर से लाइक माइक में बोल ऐसा साउंड आ रहा था। फिर मुझे लगा मैं किचन के खिड़की से देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अरे मेरे घर के बाहर में 3 बड़ा बड़ा ब्लैक कार्स है, एंड वो लोग माइक से कुछ ऐसा लाइक दे आर अनाउंसिंग समथिंग। एंड यू नो वो टाइम में मुझे इतना डर लगा, बिकॉज मेनी ऑफ यू नो राइट, आप लोग बहुत जन पूछ भी रहे थे कि पायल तुम लोग सेफ हो क्या, कि अभी US का सिचुएशन इतना खराब है, लाइक कोरोना कम था कि ओवर द टॉप ये आ गया है। सी प्रोटेस्ट, डेफिनेटली पीपल शुड प्रोटेस्ट, जो हुआ है बहुत खराब हुआ है, बट प्रोटेस्टिंग भी यू कैन डू इन ए साइलेंट वे। लाइक मेरे हबी और बोलते हैं कि अरे गांधी जी की तरह तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्या जरूरत है यू नो प्रोटेस्ट के नाम पे। अभी क्या हुआ, पीपल लाइक लूट मार कर रहे हैं, न्यूयॉर्क का क्या हालत हो गया है। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए कि थैंक्स गॉड मेरे हबी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, नहीं तो वो लोग के ऑफिस के बाहर का हालत लाइक जो नीचे में शॉप से यू नो वो लोग तोड़ रहे हैं, सामान ले रहे, इट्स केओस। एंड रिमेम्बर मैं जो मॉल में जाती थी वंस अपॉन अ टाइम, गंदा वाला मॉल, अच्छा वाला मॉल, एंड मेरे हबी ना बहुत गुस्सा करते थे जब मैं गंदा वाला मॉल जाती थी, क्योंकि वो जगह इतना अच्छा नहीं, तो वहां पे भी इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। दिस ऑल प्लेसेस लाइक आर वेरी नियर टू अवर हाउस, तो मुझे ना लगा भगवान कुछ हो गया है क्या, लाइक अभी हम लोग को रन करना पड़ेगा क्या। तो आई वॉज लाइक मैं क्या करूँ, मैं अपने अभी को बुलाऊ या क्या करूँ। तो फिर मैं देख रही हूँ कि नहीं, मेरा नेबर का लड़का जो है वो निकल के आया है, बिकॉज ही ग्रेजुएटेड दिस ईयर, एंड वो लोग का तो कुछ भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो स्कूल से ना दे डिड सच ए नाइस थिंग टू अप्रिशिएट हिम, टू गिव हिम हिज सर्टिफिकेट। वो लोग सबके घर लाइक सबके घर के वहां पे डेफिनेटली जाएंगे, तो दे केम, दे गिव हिम द सर्टिफिकेट, फिर वो लोग ने फोटो वोटो क्लिक किया, maintaining the social distancing, and you know to cheer him they all clapped for him and all, so for that all the cars were near my house, but haan abhi this is one fact ki US ka situation bahut zyada kharab hai, and sachi mein abhi itna zyada dar lagta hai na, लाइक मेरे हम लोग बहुत डरपोक है। मैं जैसे पहले से ही बोलती हूँ, मैं अभी मॉर्निंग ओनली यू आर सेइंग कि तुम पार्क में जाओगी वॉक करने को, डर लग रहा है। फिर मैंने भी सोचा छोड़ो यार, मैं अपने घर के यहाँ पे ही मैं वॉक करती हूँ, सबसे अच्छा यू नो इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस। लाइक ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, बट हाँ इफ यू सी द प्रोटेस्ट एंड ऑल, एंड जैसा चल रहा है ना, इट इज़ वेरी स्केयरी, इट इज लाइक इतना लाइक देख के डर लगता है, इतना कुछ हो रहा है। वो बोलते हैं ना दिस 2020 सो लाइक इतना खराब ईयर है, जो लोग आके ना मेरे वीडियो पे मुझे डांटते हैं मतलब कि मैं बोलती हूँ चलो यार ठीक ही है, कहाँ अच्छा और हो रहा है, मैंने बोला था अच्छा होगा, दैट इज अ मिस्टेक, मुझे पता है, मुझे तो पता नहीं था ये सब हो जाएगा। आने के बाद राय ने अपना नया शू कस्टमाइज भी कर लिया है, एंड आई थिंक सो इट इज लुकिंग क्वाइट कूल। एंड मेरे बैक केयर पे ज्यादा पियोनीज नहीं होते हैं, पर यू नो पियोनीज बहुत जल्दी लाइक मैं जैसे बोल रही थी ना, बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं, तो मुझे लगा चलो लेट मी टेक इट इनसाइड। Story being told inside my head. I'm too shy to straighten up. तो जैसी पियोनीज अभी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये नेचुरल फ्लावर्स तो नेचुरल फ्लावर्स ही है राइट, नो कंपेरिजम विद दिस आर्टिफिशियल फ्लावर, जितने भी एक्सपेंसिव आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो, बट एट द एंड ऑफ द डे नकली तो नकली होता है, एंड असली का बात
कुछ अलग ही होता है। एंड इसका जो एक खुशबू है ना, बहुत मीठा खुशबू है। पर हाँ, ये फ्लावर्स में ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो आने के बाद यू हैव टू वॉश इट नाइसली। एंड बहुत डेलिकेट होते हैं, लाइक बहुत ही जल्दी ना सब पेटल्स ना ऐसे निकल निकल के आ जाते हैं। आज मैंने आप सबको टाइम नहीं बताया है, नाउ द टाइम इज 4:30 एंड ये घड़ी का टाइम वो एक घंटा पीछे है। एंड ऊपर का मेरा हालत जो मैंने अच्छी तरीके से यू नो आई हैड ऑर्गेनाइज नहीं, मैंने साफ किया था, जस्ट लुक एट द ऊपर का हालत क्या हो गया है। बस छोड़ो, क्योंकि राय कुछ ना कुछ करती रहती है ना। तो दिस ये मैंने शायद एक वीडियो के लिए खरीदा था, कुछ बर्थडे वीडियो के लिए। तो हम लोग राय का क्लोजेट साफ कर रहे थे, फिर वहां से हम लोगों को मिला, फिर मुझे लगा चलो मैं यहाँ पे बिछा देती हूँ, क्योंकि यू नो इसके नीचे में तो ये है, तो इट्स गुड कि ये प्रोटेक्टेड रहे। एंड राय भी कुछ ना कुछ पेंटिंग करती रहती है। तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। आई होप सो यू ऑल आर सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेशली जो लोग US में रह रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल। अभी ऐसा ज़्यादा बाहर मत जाइए, अगर आपका एरिया इतना सेफ नहीं है तो जस्ट बी केयरफुल। एंड वही अभी मैं TV पे देख रही थी ना, तब मैं सोच रही थी भगवान, पहले सिर्फ हम लोग कोरोना कोरोना देखते थे, फिर मैंने बीच में सब कुछ देखना छोड़ दिया था। एंड अभी ये नया स्टार्ट हो गया है, क्या होगा आई डोंट नो, और क्या क्या बाकी है वही मैं सोच रही हूँ। एंड चलो, आई विल मीट यू ऑल टुमारो विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड या स्टे सेफ। तो चलो, इस वीडियो को एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। सी, आर्टिफिशियल है ना, इतना अच्छा नहीं लगता है कंपेयर टू द रियल वन। बाय बाय।